हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्मला चौहान के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर ना जाने कितने वीडियो रोज वायरल होते हैं। कुछ वीडियोस तो लोगों को फेमस कर देती हैं और कुछ वीडियोस तो लोगों को गुनहगार साबित कर देती हैं। क्योंकि दोस्तों, आज का समय ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के खंडाला गांव की रहने वाली निर्मला चौहान की। दोस्तों, निर्मला चौहान इन दिनों झबुआ में रहकर बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। दोस्तों, निर्मला चौहान आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें निर्मला चौहान नामक एक छात्रा कुछ कॉलेज छात्रों के साथ कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें वे आवास भत्ता, छात्रवृत्ति और बस किराए में छूट के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। इन सभी छात्रों में निर्मला भी हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं। जोर जोर से क्या बोल रही हैं, चलिए हम आपको अपनी वीडियो में दिखाते हैं। कितने भी बेवकूफ नहीं बाहर आके खड़े धूप में, कम से कम हमारे लिए थोड़ा तो कर दो सर, हमारी आवाज नहीं जा रही क्या अंदर तक? कम से कम आपको 2000 कदम आने की शर्म आ रही क्या? हम इतनी दूर से आए, 2-3 किलोमीटर दूर से, वो किस काम के लिए? हमारा काम तो पूरा करो, इतना भी नहीं कर सकते तो किस काम के लिए बने हो सर? नहीं तो सर, हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते हैं, वो किस काम के लिए आते सर? और जब बाहर से अंदर से आने में शर्म आ रही तो हम जाए अंदर, हमको शर्म नहीं आ रही सर, हम इतनी दूर से चल गए, हमको शर्म आती तो हम यहाँ से वहाँ से नहीं आते यहाँ तक। निर्मला चौहान की ये वीडियो देखकर लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।